सारे, आप भी अपनी सहूलत के मुताबिक। ये मैंने छोटे बनाए हैं और ये मैंने बड़े बनाए हैं। थोड़ा खाने को दिल करे छोटा खा लें, ज़्यादा खाने को दिल करे बड़ा खा लें, लेकिन बड़ा खाने को दिल नहीं करेगा शुगर वालों का, क्योंकि मीठा नहीं है इसमें। हाँ, फर्स्ट बाइट लेने के बाद आपका दिल करेगा खाने को, क्योंकि इसके अंदर सारे मेवाजात हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हेल्दी ना हो, ठीक है। आप दूध के साथ रात को खाएं और मज़े से सो जाएं, आपको इंशाल्लाह ताला किसी मिनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये मेरी वीडियो जो है फीस भी ले लाए, आप सबको जो शुगर पेशेंट हैं उनको आप ये भेज सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, ये पक चुकी है, ऑलमोस्ट भुन चुका है सारा। आप देख रहे हैं कि इसमें जो है इसने आल भी छोड़ दिया और ये तैयार हो चुकी है। अब जब आपको समझ आ जाए कि ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब आपने इसमें दो चीज़ें शामिल करनी है। ये मैं पहले आपको बताऊंगी कुछ ये चीज़ें कि ये आपने ये अगर जेंट्स हैं तो आप चीड़ शामिल कर सकते हैं, किसी अगर शुगर पेशेंट को मर्द है तो बनाना चाहते हैं तो। ये इतनी मैंने इसमें चीड़ शामिल की, इसको उतार के इसको मैंने क्रश कर लिया। ये एंड पे डालने वाली चीज़ है। ये ताकत के लिए बहुत ही अच्छी होती है और ये स्पेशल शुगर वाले लोगों को वीकनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा। अब ये बस एक और चीज़ है, वो आपने इसको ठंडा करने के बाद डालनी है। जब ये ठंडी हो जाएगी सारा, मैं इसे अभी उतार दूंगी, ये ठंडा हो जाएगा सारा इसका। ये जो पंजीरी है बिल्कुल इसका ये जो है मेथड सा ये बन गया है सारा। ये जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको इसके अंदर फिर ये शामिल करूँगी। वो है शुगर पेशेंट लेडीज़, अगर आप डालना चाहती हैं तो आपकी, या वैसे जो वीकनेस के लिए लोग डालते हैं, काफ़ी सारी लेडीज़ के साथ जब बेबी होते हैं या उसे या वैसे जब वो बीमार होती हैं तो उनके साथ मसाइल चल रहे होते हैं, जो लेडीज़ प्रॉब्लम कह सकते हैं काफ़ी चल रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें और आए मेरे साथ पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज़ कब शामिल करनी है और कैसे शामिल करनी है। तो आए शुरू से आप मेरे साथ वीडियो देखें, शुरू से आखिर तक आपको हर एक चीज़ जिस तरह जितनी क्वांटिटी में चाहिए और जैसे चाहिए, कैसे बनानी है, कब डालनी है और क्या चीज़ स्किप करनी है लेडीज़ ने और क्या चीज़ जेंट्स ने स्किप करा देनी है। तो व्यूअर्स, दुआ में याद रखिएगा, ये मैंने फीस भी लीला बनाई है सब लोगों के लिए, शुगर पेशेंट लोगों के लिए, ताकि जिसको भी फायदा हो मुझे दुआ में याद करे और मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। तो आप वीडियो को शुरू से देखें और एंड तक देखें इसको, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरह हमने इसको बनाया सारे मेथड को। ओके, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो बना रही हूँ वो है पंजीरी, और वो भी शुगर वालों लोगों के लिए। मैं ऐसे हीटर पे बनाऊंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा हीट नहीं चाहिए, और वैसे भी मैं इधर बैठी हुई थी रूम में, तो इसे इसीलिए एक तो बन जाएगी, एक इससे ज़्यादा मुझे हीट नहीं चाहिए तो कोई इतना मसला नहीं होगा। ये शुगर वाले लोगों के लिए मैं बना रही हूँ ताकि उनको जो ये मसाइल हैं उनका, जो उनको कमज़ोरी वीकनेस और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं उससे वो बच सकें। व्यूअर्स, इसमें मैं बिल्कुल भी शुगर ऐड नहीं करूँगी और शुगर की कोई फॉर्म भी ऐड नहीं करूँगी। ये नहीं कि शुगर ऐड नहीं करूँगी तो गुड़ भी ऐड नहीं करूँगी, ऐसा नहीं होगा, कुछ भी ऐड नहीं होगा इसमें और ये होगी भी मज़ेदार। सबसे पहले हम इस तरह के दो साजे ले लेंगे, इस तरह के
एक हम मेजरमेंट करने के लिए ले रहे हैं, ये हम इतना सारा बाउल लूँगी मैं, ये सारे जो मैंने मेवे वगैरह इंग्रीडियंट्स किए हैं, इंग्रेडिएंट्स जो इनके हैं सारे मेवाजात, उनका मैंने पाउडर बना लिए, और वो एक ये कप वो लूँगी, और ये कप मैं लूँगी आटे के लिए जो मैंने बेसन और उसका आटा बना लिया चनों का, ये वाला मेजरमेंट उसके लिए। ऑयल मेरा गर्म हो रहा है, इसमें मैंने देसी घी डाला है और ये तकरीबन एक पाव के बराबर है। आप अपने मुताबिक इसको बना सकते हैं कि आपने इसको कितनी आप लोगों को चाहिए इसकी क्वांटिटी, और आप कैसे इसको बना कितना इसमें खा सकते हैं इसको, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर एक घर में बस एक ही बंदा है ऐसा जो विदाउट शुगर चीज़ें लेता है तो उसके लिए ये काफ़ी है, और जब ख़त्म हो जाए तो दोबारा बना ले तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ये मैंने मेजरमेंट कर ली इसकी, एक मैंने ये ले लिया बाउल, इसको मैंने आस्ते आस्ते बिल्कुल मिक्स करना है। ऑलरेडी ये भुने हुए चने होते हैं, और फिर इनको जब आप ग्राइंड भी कर लेते हैं तो ये बहुत ही एक इसी वे में बन जाती है, इसको आपको इतना स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं पड़ती जितना आप हलवे पकाने में और इस तरह के कामों में आपको लगती है, वो इसमें नहीं होती। इसे घी की थोड़ी सी और ज़रूरत है, अभी मैंने इसे पाव में से भी काम डाला, ये आधे किलो का बाउल है। आपको नजर आ जाएगा कि आटा आधा सा खुश्क है, तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दें। पकाना इसको अंताई ईजी है, बस आप ये करें कि बहुत ही कम फ्लेम पे इसको बनाएं ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह भुन जाए। आप देख रहे होंगे कि ये अब भुन चुका है बिल्कुल, इसमें बबल्स भी आ रहे हैं और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है, और इसके ऑयल छोड़ने का ये है कि आप जब चम्मच चलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हवा में चला रहे हैं, बिल्कुल इसका वजन ख़त्म हो जाता है जब भुन जाता है ये। तो ये मैंने व्यूअर्स जो काले चने साफ करके तो इनको मैंने ग्राइंड उसमें तो ग्राइंड करते होते हैं, मैंने इसमें कीमे वाली मशीन में इसको मैंने किया है, तो वो ज़रा मोटा सा होता है जैसे दड़ा मिर्च होती है ना मोटी मोटी, इस तरह का ये मैंने बनाए थे, तो इनको थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि अगर आप बिल्कुल उसको पीस के बारीक कर देंगे तो वो फौरन ही जल जाएगा। इसको मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए, और आप ये देख लें आप कि ये लिक्विड फॉर्म में आ गई, इस तरह थिकनेस इसकी ये आप चेक कर सकते हैं, और ये व्यूअर्स शुगर वालों के लिए बहुत मुफीद है। आप में से जो भी इसको वीडियो को अगर कोई देखे तो कोई उसका पेशेंट ऐसा है जो जिनको शुगर है तो उसे ज़रूर ये सेंड करें। ये मेरा जो नुस्खा है ये फी सबीलिल्लाह है, ये मैंने अल्लाह के लिए बनाया है, इसको इस तरह के लिए नहीं बनाया कि आप मतलब मुझे इसके लिए भी उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जिसको भी आपके किसी रिश्तेदार वगैरह को अगर शुगर वगैरह है तो आप उसे ज़रूर ये बताएँ, चाहे तो मेरा लिंक सेंड कर दें चाहे तो आप उसे ऐसी ज़बानी बता दें। व्यूअर्स हम सारी चीज़ें छोड़ छोड़ के तो जो शुगर पेशेंट होते हैं सब चीज़ें छोड़ छोड़ के उनको वैसे ही हड्डियों में उनके इतनी खुश्की हो जाती है कि वो कट जाते हैं मसल्स वगैरह।
तो इसमें मैंने देसी घी इसलिए डाला है ताकि कोलेस्ट्रॉल हाई ना हो, शुगर हाई ना हो, किसी चीज़ का कोई इशू ना हो। ठीक है, गुड फैट हमारी बॉडी को चाहिए। जिसने ऑयल छोड़ दिया, अब इसका अगला प्रोसीजर होगा, मैं डालूंगी इसमें खोपरा। एक ये मैंने रखा हुआ सांचा, ये मैं इसमें एक क्रश करके रख लिया था। अब इसमें थोड़ी देर मैं इस तरह पकाऊंगी ताकि ये अंदर इसके ना मिक्स हो जाए, इसका टेस्ट आ जाए। मैंने खुद इसे बारीक नहीं किया क्योंकि ये ऐसे थोड़ा सा हो तो अच्छा लगता है जब मुंह में आता है। बस इतना ही हमें चाहिए था इसको। अब इसमें मैं डालूंगी मेवे। मेवा हम भर के नहीं डालेंगे, इतना सारा डालेंगे, हाफ इसको बाउल को। मेवा भी बहुत अच्छा होता है, शुगर वालों के लिए भी अच्छा है, वैसे भी कहते हैं ताकत के लिए बहुत अच्छा होता है ये। आपकी जितनी बॉडी में वीकनेस होती हैं वो ठीक हो जाती हैं इससे। हकीम भी बताते हैं 5 मेवे सुबह उठ के खाएं, या कभी कहते हैं शाम को खाएं, दूध के साथ खाएं। इसको हमने हिलाना है थोड़ा सा ताकि मेवा जो है वो भी इसके अंदर तल जाए, क्योंकि ये जब मेवा इस तरह रहता है तो ये ख़राब होने का खदशा होता है। जो हम बनाते हैं ना इसको पंजीरी को, तो ज़्यादातर लोग इसको पहले तल के रख लेते हैं, लेकिन उससे पहले तलने से ये होता है कि ये जो मेवा होता है ये जब हम तल के रख लेते हैं तो ये जब ठंडा होता है तो ये प्लास्टिक का अजीब सा सख्त सा हो जाता है थोड़ा, इसलिए बेहतर है कि इसको इसके अंदर ही तला जाए। अब इसके अंदर हम डालेंगे मूंगफली। अपने जितनी आपकी ख्वाहिश है उतनी डाल सकते हैं, मुझे इतनी सारी पसंद है। ये भी बस वो चीजें मैंने डाली हैं जो तली हुई नहीं थी, जिनको पहले मैंने तला नहीं है। इसमें मैं डालूंगी तेल, वो भी मुझे इतने सारे चाहिए क्योंकि ये गर्म होते हैं, हालांकि इनमें बहुत कैल्शियम होती है, लेकिन हर चीज जो है हिसाब के मुताबिक डालें। इनको भी मैंने पहले तला नहीं था, ये भी तलने से खराब हो जाता है, इनको आपने डायरेक्टली डालना है।
आप देख चुके हैं कि ये अब भुन चुका है, ये देखिए आपको ऑयल नज़र आ रहा है इसका, साइडों पे निकल आया, ये देखिए कि इसका निकल आया क्योंकि मैंने इसमें डाला इतना, इससे ज़्यादा निकल नहीं सकता बेचारा, क्या करें, तो मैंने इसे डाला इतना इसमें। सॉरी कैमरा थोड़ा सा साइड पे हो गया था तो आपको शायद मैं क्वांटिटी नहीं बता सकी। जो तेल थे वो मैंने 3 चम्मच डाले थे, जो मूंगफली थी वह उसमें ज़रूरत, मतलब 2 मुट्ठी मैंने डाली है भर के इसमें, और इसके अंदर और मैंने क्या डाला था, मेवा जो था वो मैंने 1/2 कप डाला, वही बाउल जो आपको दिखाया था इसके लिए। और इसके बाद अब रह गया ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने वो किए हैं, बादाम, अखरोट, पिस्ता और जितनी भी सारी चीज़ें थी वो मैंने इनको तल के तो ग्राइंड कर दी थी, ये मैंने 1 कप भर के डाल दिया इसमें। ये क्योंकि मैंने पहले तल के डाली थी इसलिए इनको तलने की ज़रूरत नहीं है, ये तल चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी दूध तकरीबन 1/2 किलो, ऐसे भी बस क्या होगा कि ये नरम रहेगी, आपको हर वक्त इसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गर्म करने की, और सख्त हो जाएगी तो ज़रा चबाना भी मसला होता है, ये से सॉफ्ट रहेगी बिल्कुल। आपने इसमें 1/2 किलो दूध डाल दिया, तो ये जम सके आराम से एक पीस निकालें और इसको खा लें। इसकी अब आपने आंच कम कर देनी है इसकी बिल्कुल, मसला ये है कि शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं उनका चीनी के बैर दिल नहीं लगता और शक्कर के बैर भी, वो कहते हैं कि कुछ मीठा हो जाए, हालांकि आजकल तो फैशन है काफ़ी सारे लोग तो ऐसे स्लिम होने के लिए भी छोड़ देते हैं कि हमारा वेट बढ़ रहा है ये वो, लेकिन शुगर वालों का ये मसला होता है कि जितनी उनकी शुगर तेज़ होती जाती है इतना उनकी मीठे के अंदर वो तलब भी बढ़ती जाती है, वो कहते हैं मीठा होना चाहिए, इंसुलिन लगा लूँगा ऊपर से, तो इसमें आपने शुगर बिल्कुल नहीं ऐड करनी, ये इन मेवों की वजह से ही काफ़ी इसका टेस्ट अच्छा हो गया होगा, और इसको मेवा जो इसके अंदर मैंने ये डाले हैं बाकी जितने भी चीज़ें ये काफ़ी हेल्दी हैं। अच्छी तरह मैंने इसको अब ठंडा कर लिया है, पंजीरी ठंडी हो गई जी अच्छी तरह, और इसको मैंने लड्डू बनाना है, तो इसको यूँ करेंगे सिंपल इस तरह, अच्छी तरह से यूँ करने के बाद इसको मैं लगाऊंगी तेल, ज़्यादा तेल से नहीं उसके अंदर डाल रही कि ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि ये भी इतना सख्त नहीं हुआ ये जो है लड्डू, तो ये ज़्यादा फिर इसके साथ लग जाएंगे, मैंने इसके अंदर भी डाले हुए हैं। तेल बहुत अच्छी चीज़ है स्पेशली शुगर वालों के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाई जाती है,
और ये इस शेप में आ जा रही है। देखें सारे लड्डू बना लें, जितना भी आपके पास आपने बनाई है। ये एक लड्डू रात को दूध के साथ आप खाएं और खुश रहें।